वाराणसी एडीजी पीयूष मोडिया और डीआईजी वैभव कृष्ण बलिया दौरे पर कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए पहुंचे। एडीजी पीयूष मोडिया और डीआईजी आजमगढ़ परिक्षेत्र के वैभव कृष्ण के दौरे से पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। वाराणसी एडीजी पीयूष मोडिया और डीआईजी वैभव कृष्ण ने अफसरों संग मीटिंग की, जिसमें बलिया पुलिस अधीक्षक समेत थाना अध्यक्ष और पुलिस कर्मी मौजूद रहे। वहीं वाराणसी एडीजी ने कहा कि वाराणसी रेंज में कुल 9 जनपद हैं और अलग अलग समय पर जाकर समीक्षा किया जाता है। आज बलिया में पुलिस कर्मियों व अधिकारियों के द्वारा कुछ सुझाव लिया गया ताकि उस पर चिंतन किया जा सके। जहाँ जहाँ कुछ विशेष करने की आवश्यकता हो वह तय किया जा सके। जो अपराध कारित हुए हैं, जिनकी विवेचना चल रही है, उस पर विचार विमर्श करना मुख्य उद्देश्य है। साथ ही शहर की कानून व्यवस्था एवं यात्रा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए और अपराध को रोकने के लिए चर्चा किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि पत्रकार और शहर के व्यापारी और जो स्टेट होल्डर हैं, उनके साथ वार्ता कर समस्याओं का समाधान किया जा सके, जिससे कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो। वहीं संभल की घटना को लेकर वाराणसी एडीजी ने कहा कि पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वाराणसी जोन में 9 जनपद है, उन सभी 9 जनपदों में अलग अलग समय पर मैं जाकर वहाँ की जो पुलिसिंग की समीक्षा करता रहता हूँ। और उद्देश्य यह है कि कुछ जो हमारे पुलिस कर्मी और अधिकारी सुझाव देना चाहते हैं, उन सुझावों पर चिंतन किया जा सके, जिससे आगे की अपनी जो कार्य में जहाँ जहाँ पे कुछ विशेष करने की आवश्यकता हो वो तय किया जा सके। साथ ही जो अपराध कारित हुए हैं और जिनकी विवेचना चल रही है, उनके ऊपर भी विचार विमर्श करना एक मुख्य प्रयोजन रहते हैं। इसके अलावा जो हम अपने शहर को बेहतर बनाने के लिए आगे आते हैं, व्यवस्था को अच्छा करने के लिए और हर प्रकार के अपराध को रोकने के लिए कर सकते हैं, उस बारे में भी आज चर्चा की जाएगी। और आज मैंने योजना यही बनाई है कि सभी अलावा पुलिस कर्मियों से वार्ता करने के इस दौरान अपने सैनिकों के साथ भी, अपने सिपाहियों के साथ बैठकर भी बात की जाए। और जो आपके शहर के पत्रकारगण हैं और अन्य प्रमुख व्यापार मंडल के लोग हैं और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी यदि कोई बात कहना चाहें तो उनसे भी वार्ता करके हम सभी मिलकर, डीआईजी साहब भी आए हैं और एसपी साहब मौजूद हैं, संयोग की बात है कि बीच में जब पिछली बार आए थे तब आपसे मुलाकात नहीं हुई थी और आज आप लोग से मुलाकात होगी। सर, संभल में जिस तरह से घटना हुई, उस तरह से वाराणसी रेंज किस तरह से सतर्कता है, एलआईयू से लेकर किस तरह की इस तरह की गतिविधियां जो हो वो रोका जा सके पहले ही? देखिए, अलग अलग घटनाएं जो है अपने अपने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से होती हैं। जहाँ तक हमारे जोन का सवाल है, हम लगातार प्रयासरत हैं कि किसी भी प्रकार के कोई डिफरेंसेस लोगों में ना आए, और जहाँ कहीं किसी प्रकार का डिस्प्यूट है, कोई समस्या है, चाहे परिवारों के बीच में आपस में, चाहे बाजार में व्यापारियों के बीच में, विभिन्न कम्युनिटीज़ के बीच में, उनका भी वार्ता करके समाधान कर लिया जाए, तो आप सभी के सहयोग से अब तक इसे हम करने में कामयाब हुए हैं, भविष्य में भी। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।